जैसे कि ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं एक्सयूवी के, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं एंड इनके बहुत ही ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिली होगी, यही आपके बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं एंड बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। सही बताऊँ लगता नहीं है बेस मॉडल हम चला रहे हैं, एंड आप देखो जैसे ही गेट खुला ये सीधा अंदर चले गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कर्सागर। आज आपके सामने बात करूंगा एक्सयूवी 700 बेस वेरिएंट के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे बेस वेरिएंट 5 सीटर पेट्रोल के अंदर हमारे सामने खड़ा हुआ है। 13,18,000 रुपये इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस है। ऑन रोड की भी बात करेंगे, फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली गाड़ी मिलेगी, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। टॉप मॉडल का एक्सशोरूम 22 लाख के आसपास जाके पड़ता है। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है ये एसयूवी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। फ्रंट प्रोफाइल में ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, पहले से बहुत ज़्यादा लुक इसका चेंज कर दिया गया है। आप खुद देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लुक ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। मेन है इस गाड़ी की ग्रिल जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद की गई है। न्यू महिंद्रा का लोगों ने तो मज़े ही बांध रखे हैं, सही बताऊँ पुराने महिंद्रा के लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त ये यहाँ पे लोगो लग रहा है। एंड बेस मॉडल में भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ पियानो फिनिश में ग्रिल मिलती है, ग्लॉसी फिनिश में बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है। एंड ये जो आप हेडलैम्प देख रहे हो ये बिल्कुल टॉप एंड मॉडल जैसे ही शेप है, यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। कि क्या होता है कि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में बहुत ज़्यादा ये लोग डिफरेंस कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ LED में नहीं मिलेंगे आपके हेलोजन्स, ये आपके जो हेडलैम्प्स हैं वो हेलोजन में रहने वाले हैं, LED में नहीं रहेंगे। बट शेप आप देखो वही शेप आती है जो कि टॉप मॉडल की शेप है, कुछ भी यहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलेगा। इधर आपके इंडिकेटर्स हैं, फॉग लैंप का आपका ऑप्शन नीचे आ जाता है, बट बेस मॉडल में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगी। एंड थोड़ी सी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश आपको नीचे की तरफ भी मिल जाती है। फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है देखने में। अब देख लेते हैं इस गाड़ी का डबल डोर एंड इंटीरियर। जैसे कि ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं एक्सयूवी के, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं एंड इनके बहुत ही ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिली होगी, यही आपके बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं एंड बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। सही बताऊँ लगता नहीं है बेस मॉडल हम चला रहे हैं, एंड आप देखो जैसे ही गेट खुला ये सीधा अंदर चले गए। बट हाँ, जैसे कि इस वाले की से लॉक अनलॉक करने से ये अप एंड डाउन होते हैं, वो वाला यहाँ पर फीचर नहीं है, वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर डोर पे बेस मॉडल में ही आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 4 पावर विंडोज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल रिंग है, ऑटो फोल्डेबल नहीं है ये, एंटी पिंच एंड लॉक अनलॉक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थोड़ा सा सिल्वर फिनिश आपको रहने वाला है, डोर हैंडल्स पे भी सिल्वर फिनिश है। एंड इधर बॉटल होल्डर और स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड ये फिनिश भी काफ़ी अच्छी लग रही है। टॉप एंड मॉडल्स में क्या है, थोड़ा सा लेदर फिनिश आ जाता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। सीट देखो आप, ड्राइवर सीट का डिज़ाइन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिच क्लास गाड़ी में हम बैठे हों। हालांकि इस गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम बना दिया गया है पहले से, बट लगता नहीं है भाई कि मतलब हम कोई महिंद्रा इंडियन ब्रांड की गाड़ी में बैठे हैं, लगता है बिल्कुल फॉरेन ब्रांड है। एंड जब आप इस गाड़ी की इस सीट की फिटिंग कराओगे ना बकेट टाइप में, अलग ही लुक देने वाली है। इसकी जो ड्राइवर सीट है आपको बेस मॉडल से ही हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ये और भी प्लस पॉइंट है। एंड थाई सपोर्ट देखो आप कितना अच्छा मिलता है। गाड़ी के इंटीरियर की बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे आपको बेस मॉडल में ही इंटीरियर मिलता है एंड रियली में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गाड़ी की बड़ाई ही करनी है, जो है वही आपको बता रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा महिंद्रा का लोगो न्यू वाला, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। सही में ये गाड़ी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है भाई, जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है। स्टेयरिंग पे आपको बेस मॉडल से ही माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स भी सारे इसी पे ही हैं। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, बट वो टॉप एंड मॉडल में मिलेगा। इधर से आप सारा चीज़ एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको पहले से ही मिल रहा है इसमें बेस मॉडल में। इधर से आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंट्रोल कर सकते हो। हेडलैम्प लेवलर आपका इधर है, जैसे कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। जैसे कि हीरा फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, सेटिंग, हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड इधर से पक्का कर भी कर सकते हो आप, बैक भी कर सकते हो, जैसे कि ये सारा आ गया। एंड इसमें भी आपके ऑप्शंस होते हैं, तो सही है भाई, बहुत ही अच्छी यहाँ पे ये चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि बेस मॉडल में इन्होंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं करा। टच स्क्रीन सिस्टम भी आपको मिल जाता है एंड इसे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। देख रहे हो मतलब टच तो बहुत ही प्यारी है इसकी, देखो आराम से ही चल रहा है। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो इसकी, ऑडियो, जनरल डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, व्हीकल सेटिंग है, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दिया सब कुछ, बेस मॉडल है भाई, बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। आप वाइपर्स के देखो कंट्रोल्स,
इधर लाइटिंग के कंट्रोल्स देखो आप, वाइपर और लाइटिंग के कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन में यहाँ पे दिए हुए हैं, बिल्कुल न्यू लुक बनाया हुआ है। एंड उसके अलावा बात करता हूँ, यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं मैनुअल में। एंड ये आप बटन्स देखो, ये बेस मॉडल में ठीक है, इसी तरीके के होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दो आप, बट कंसोल जो होता है ना उसे इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जो कि गाड़ी प्रीमियम लगे, ऐसा लगे नहीं कि हम बेस मॉडल में बैठे हैं। 13,18,000 रुपये इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस है, ऑन रोड भी कम से कम जाके पड़ेगी ये 15 लाख के आसपास। तो 15 लाख की गाड़ी में इतना तो बनता ही है। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है आपका, पेट्रोल है, एंड ये आपका डिज़ाइनेबल हैंड ब्रेक है जैसे पहले मतलब एक्सयूवी में आता था। इधर आपको कप होल्डर एंड थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हो। आर्मरेस्ट देखो आपको बेस मॉडल से ही कितना वाइड मिलता है ये। एंड ये स्लाइडिंग नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट हाँ इसमें सॉफ्ट फिनिश आपको मिल जाएगी एंड आराम से दो जने हाथ रख सकते हैं। स्पेस आप देखो, इधर की वगैरह रखने का है एंड और भी इसके अंदर स्पेस आपको मिल जाएगा। तो कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा है महिंद्रा ने आपके लिए। उसके अलावा डैशबोर्ड देखो कितना प्यारा डैशबोर्ड है, डुअल टोन में है एंड इधर सिल्वर फिनिश भी आपको मिल जाती है। ग्लोब बॉक्स दिखाता हूँ भाई, है इसमें नहीं, बेस मॉडल में यहाँ पे ग्लोब बॉक्स नहीं है, आई थिंक टॉप मॉडल में है नहीं है, बाकी था तो यार वीडियो मैंने बनाई हुई नहीं है, ये रहा इधर था इसका, मतलब आप भी कन्फ्यूज मत हो जाना, इसे नीचे की तरफ है इसका बटन, हम यहाँ पे बीच में ज़्यादातर सोचते हैं इधर होगा। एंड काफ़ी अच्छा ग्लोब बॉक्स है भाई, वाइड स्पेसियस है, इतनी बड़ी तो इसमें ऑलरेडी बुक रखी हुई है एंड इसके जैसे 3-4 और आ जाएंगी। महिंद्रा थार में भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कोडाइवर साइड का, जो पैसेंजर एयरबैग है उसे ऑन एंड ऑफ करने का, ऐसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड इधर बता भी रहा है ये ऑन या ऑफ है, दूसरे वाला है जो वो है ऑफ। उसके अलावा यहाँ पे होम बटन मिल जाता है आपको, इंफोटेनमेंट कंट्रोल का, इधर स्क्रीन सेवर का बटन है, ये इको मोड का भी यहाँ पे आपको एसी में ऑप्शन मिल जाएगा, वाइपर कंट्रोल्स भी हैं इधर सारे, मतलब जो फॉगी सीजन में होता है। उसी के नीचे मैं बात करूँगा तो वहाँ पे आपको एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी पोर्ट में थोड़ा सा की वगैरह रखने के लिए स्पेस, इधर थोड़ा फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। टॉप एंड मॉडल में आपको स्मार्ट चार्जर आई थिंक यहाँ पे मिल जाए, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा बहुत जल्दी। उसके अलावा आपको बेस मॉडल में ही यहाँ पे एलईडी में रीडिंग लैंप्स मिलते हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। इधर वैनिटी मिरर है बट इल्यूमिनेशन नहीं है, इधर की तरफ नहीं मिलेगा आपको वैनिटी मिरर, नॉर्मल आईआरवीएम मिलने वाला है डे नाइट। दोस्तों आप रियर का लुक देखो, बेस मॉडल देखने में आपको लगता है कहीं से भी कि ये गाड़ी बेस मॉडल चल रही है रोड पे। एंड पीछे का इसका रोड प्रेजेंस देखो कितना ही ज़बरदस्त है, न्यू लोगो यहाँ पे ब्लैक जो इसका बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा लग रहा है रियली में देखने में। एंड मेन चीज़ जो है आपको बेस मॉडल से यहाँ पे एलईडी इसके टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बहुत ही जो ज़बरदस्त एंड हाई प्रोफाइल यहाँ पर लगते हैं। इधर आप देखो ग्लॉसी फिनिश के साथ स्पॉलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। एंड एक कमी यहाँ पे ये है कि डिफॉगर नहीं है, कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। एक्सयूवी 700 की यहाँ पे आपको बैजिंग जाती है एंड ये 700 ये ब्लू में है, थोड़ा सा इसे अलग ही मतलब हाईलाइट किया हुआ है 700 को, क्योंकि यहाँ पे 300 और 500 ऑलरेडी लॉन्चिंग यहाँ पे हो चुके महिंद्रा में। पीछे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको प्राइस में, जैसे कि मैंने आपको बताया 13,18,000 रुपये ये वाला मॉडल जो सबसे बेस है 5 सीटर में, ये एक्सशोरूम प्राइस रखता है 13,18,000। ऑन रोड की अगर मैं बात करता हूँ तो 15,62,900 के आसपास ये आपका ऑन रोड प्राइस आएगा निकल के हरियाणा में। एंड मैंने आपको हर वीडियो में बताया हरियाणा का प्राइस एंड दिल्ली एनसीआर का अलग होता है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का फ़र्क मिलता है वहाँ पे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप 7 सीटर लेने के शौकीन हैं या फिर 7 सीटर आपको चाहिए तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको यहाँ पे AX5 वेरियंट से 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका भी मैं एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ, 17,18,000 रुपये है। बट AX5 इससे एक मॉडल छोड़ के दूसरा मतलब वो थर्ड मॉडल आपका पड़ेगा, उसमें फ़ीचर्स भी आपको और भी ज़बरदस्त मिलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से उस गाड़ी का प्राइस है। अगर आप कहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस गाड़ी की भी वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए बना के लाऊंगा। एंड टॉप मॉडल मैंने आपको बताया 22,75,000 रुपये एक्सशोरूम प्राइस रखता है, ऑन रोड 26,83,000 रुपये पेट्रोल में। दोस्तों इंजन की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के इंजन हैं, एक है पेट्रोल 2.0 लीटर, एक है डीजल 2.2 लीटर। पेट्रोल में ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है एंड सीधा 200 PS पावर यहाँ पे आपको मिलती है, बहुत ही इंप्रेसिव है। एंड 380 न्यूटन मीटर टॉर्क, पेट्रोल के अंदर इतनी पावर इनफ होती है, हर कोई मतलब कंपनी प्रोड्यूस नहीं करके देती। सिर्फ 15 लाख रुपये में आपको 200 PS पावर मिल रही है, 380 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है, वो भी बेस मॉडल से ही, तो और क्या चाहिए आपको। अगर मैं डीजल की बात करता हूँ तो वहाँ पे दो तरीके के इंजन आ जाते हैं, एक है 1.2
155 PS पावर के साथ और एक है 185 PS पावर के साथ। जो 155 PS पावर है उसमें आपको टॉर्क मिलता है 360 का, एंड जो 185 PS पावर है उसमें दो तरीके के, एक मैनुअल आता है, एक है ऑटोमेटिक। मैनुअल में है 420 Nm टॉर्क, डीजल में है 450। सीट्स की तो मिडल सीट्स पे आप इधर से हैंडल बाहर निकालो भाई, अलग ही फील आता है, सही बताओ। 15 लाख में कोई बुराई नहीं है गाड़ी में। इधर आपको पावर विंडो मिल जाती है, बॉटल होल्डर, सिल्वर फिनिश आपको हैंडल्स में भी यहाँ पे मिल जाएगी। जो मेन बाहर के हैंडल्स हैं वही आपको अंदर मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स भी मिलेंगे, वो भी LED में। इधर सी टाइप आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस की वगैरह फ़ोन रखने के लिए। रियर में आपको मिलते हैं AC वेंट्स, इधर पियानो फिनिश मिल जाएगी, एंड थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है सीट का, रियली में भाई कंफर्टेबल है सीट्स में। जैसे कि बैठा हूँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को फील आ रहा है। सॉफ्ट फिनिश है, ज़्यादा हार्ड फिनिश नहीं है, जैसे कि होता है ना कुछ कुछ गाड़ियों में बहुत ही हार्ड रहते हैं। साइड प्रोफाइल से जो गाड़ी का लुक आता है ना वो बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक विनो फिनिश है एंड साथ के साथ LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। एक चीज़ मेरे को जो बहुत ही बेकार लगी, अगर आप बेस मॉडल में इतना सब कुछ दे रहे हो तो कम से कम ये टायर में व्हील कवर तो दो यार, जिससे कि गाड़ी का लुक अलग हो जाए, जैसे कि स्कॉर्पियो में S5 वेरिएंट में आता है। इस तरीके का कुछ आपको अगर डिजाइनेबल व्हील कवर मिल जाता है तो ये गाड़ी कंप्लीट हो जाती है, कुछ भी यहाँ पे माइनस पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक ही ये माइनस पॉइंट लगा मेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हालांकि आप चाहते हो इसमें अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, इसे 17 इंच के अलॉय व्हील्स लग जाएंगे। 235/65/R17 ये गाड़ी का प्रोफाइल है। बेस मॉडल से आपको 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, पीछे आपको डिस्क ब्रेक लेगा, फ्रंट में भी डिस्क है। इधर 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। गाड़ी अनलॉक है तो आप इधर से इसे ओपन करके पेट्रोल भरवा सकते हो। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं छोटी सी, एंड नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे बूट स्पेस देखो कितना ज़बरदस्त और कितना वाइड यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है, एंड रियली में बहुत ही प्यारा है। इधर आपको कुछ स्पेस रखने के लिए मिल जाता है, कुछ भी आप रख सकते हो। स्पीकर का ऑप्शन है यहाँ पे, बट स्पीकर है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस मॉडल में 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं। अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12 स्पीकर्स विथ 3D साउंड के साथ, काफ़ी अच्छा है। एंड इधर आपको मिल जाते हैं टूल्स वगैरह। दोस्तों बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी में बेस वही दो एयरबैग, CBS CBD SFX सेल्फ एंकरेज, आइडल स्टार्ट स्टॉप बेसिक फीचर्स हैं, बट मारुति नहीं है भाई, ये महिंद्रा है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेफ्टी आपको मिलने वाली है, एंड बेस मॉडल से ही आपको फील आ जाएगा जब आप डोर्स वगैरह हिलाओगे ना इनके या फिर ओपन करोगे तो अलग ही फील आ जाएगा आपको कि आप अच्छी खासी हैवी गाड़ी चला रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पे 5 स्टार तो इस गाड़ी ने रेटिंग ले ही चुकी है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं सेफ्टी के मामले में। टॉप एंड मॉडल्स में आपको साइड कंटेनर्स वगैरह एयरबैग्स मिल जाते हैं, एंड और भी काफ़ी वहाँ पे आपको ऑप्शंस खुल जाते हैं, मल्टी ड्राइव मोड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत कुछ है टॉप एंड मॉडल में। बट जिसका बजट नहीं है वो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, 15 लाख रुपए में आपको बहुत कुछ मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर भी। अगर वीडियो पसंद आई 1 लाख जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही मिलता रहूँगा आपके साथ नई नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।